उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए यहाँ के तमाम उन लोगों ने जिन्होंने राज्य प्राप्ति से पहले अपना खून पसीना बहाकर इस राज्य को प्राप्त करने के लिए, अलग उत्तराखंड राज्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, ऐसे वो तमाम सपूत जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कर ये राज्य प्राप्त किया, और आज बड़े दुख के साथ यह हमें सूचना मिलती है कि राज्य प्राप्ति से अब तक तमाम नौकरियों में जितने घोटाले घपले हुए उससे एक आम जो हमारा गरीब परिवार है उसका बेटा है वो आस लगाए बैठा था कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन धन्ना सेठों ने सरकार के साथ मिलकर और सरकार ने उन धन्ना सेठों के साथ मिलकर तमाम नौकरियों की बंदरबांट पैसों के आधार पर की, भ्रष्टाचार के आधार पर की। हम उन वीर सपूतों की संतानें हैं जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और अफसोस होता है कि इतने बड़े इतनी बड़ी घटना के बाद भी अगर हमारा खून न खौले तो वो खून नहीं है, पानी है। इसलिए मैं कल 11 बजे कचहरी में, देहरादून स्थित कचहरी में शहीद स्थल पर मैं 2 घंटे के लिए उपवास पर बैठूंगा, और मैं निवेदन करना चाहता हूं तमाम उन लोगों से जो राज्य के इन बातों से सरोकार रखते हों, जिनके मन में इस राज्य के लिए पीड़ा हो, कि कृपया आप ही आकर निश्चित रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सरकार को सचेत करने का काम हम लोग करें, और सरकार इस पर जिस प्रकार से हिला हवाली कर रही है, जांच में कोताही कर रही है, सभी भर्तियों पर जांच नहीं कर रही है, अपने और पराये का भेद कर रही है, इस भेद को सरकार न कर सके, हम सरकार को मजबूर करेंगे कि समग्र रूप से एक बड़ी SIT बनाकर उत्तराखंड में हो रहे इस नौकरी के घोटाले की का हम पर्दाफाश करें, सरकार से कराएं, और आगे ऐसा न हो इसके लिए सरकार से उचित बंदोबस्त कराएं। आप सबका कल कचहरी में मैं इंतजार करूंगा, सुबह 11 बजे देहरादून कचहरी में शहीद स्थल पर। धन्यवाद।